हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर में आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है पीआईएन डायोड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले ये पीआईएन डायोड का मतलब समझ लेते हैं। पिछले सारे वीडियोस में हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा था। पीएन जंक्शन डायोड यानी क्या कि हमारे पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर था और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर था। दोनों सेमीकंडक्टर्स को हमने कनेक्ट किया था जिससे करके पीएन जंक्शन डायोड बन गया था। अब यहां पे पीआईएन डायोड में हम क्या करेंगे, तो वही प्रोसेस करेंगे। कैसे? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और ये पी और एन के बीच में यहां पे एक आई टाइप सेमीकंडक्टर लगाएंगे। कैसे? ये पी टाइप लिया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, दोनों के बीच में हमने आई टाइप सेमीकंडक्टर लगा दिया। तो ये जो डिवाइस बन के आई इसे हम बोल देंगे पीआईएन डायोड। अब क्वेश्चन आता है कि आई टाइप सेमीकंडक्टर यानी क्या, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। आई टाइप यानी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर यानी क्या? जिसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी हमने मिक्स नहीं की है, कुछ भी डॉपिंग हमने किया नहीं है, ना ही ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली है, ना ही पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली है, यानी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर है। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी क्या? एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, कुछ डॉपिंग किया है हमने, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली है। एन टाइप यानी क्या? ये भी एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, इसके अंदर भी हमने कुछ डॉपिंग करी है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा होगा पीआईएन डायोड। कैसे लिखेंगे? तो यहां पर मैंने लिख के रखा है बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इंट्रेंसिक टाइप सेमीकंडक्टर इज प्लेस्ड दैट कॉल्ड पीआईएन डायोड। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर हाईली डोर्ड, मिक्सिंग है, इंप्योरिटी है। आई टाइप सेमीकंडक्टर इज प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम का है। ठीक है, अच्छा अब हमने पी एन जंक्शन डायोड का सिंबल कुछ ऐसे देखा था, एज ए ट्राइंगल और एक लाइन, पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, लेकिन यहां पे हम कौन सा पढ़ रहे हैं? पी आई एन डायोड। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पे एक बीच में लाइन बना देनी है। ये लाइन क्या इंडिकेट करेगी? आई इंडिकेट करेगी। तो ये होगा गया सिंबल किसका? पीआईएन डायोड का। ठीक है, तो ये मतलब हो गया पीआईएन डायोड का। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। मैं जो भी बोल रहा हूं सारी चीजें आपको एग्जाम में लिख के आनी है, मैं सारी चीजें बोर्ड पे नहीं लिख सकता, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं जो भी बोलू अपने आप से अपनी हिसाब से नोट्स बनाना शुरू कर दो। ठीक, अच्छा अब आप बोलोगे सर ये पीआईएन डायोड तो आपने बना दिया, अब इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, अच्छा तो ये जो पीआईएन डायोड है इसके बेसिकली दो एप्लीकेशंस है। ठीक है, एक बार हम फॉरवर्ड बायस करेंगे इसका, फिर एक एप्लीकेशन सामने आएगी एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। बाद में हम ये पीआईएन डायोड का रिवर्स बायसिंग करेंगे, फिर एक एप्लीकेशन हमको दिखेगी जो कि होगी एज अ कैपेसिटर। यानी ये पीआईएन डायोड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे भी यूज होता है, एज अ कैपेसिटर के तौर पे भी यूज होता है। कैसे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने ये पीआईएन डायोड ऐसे कनेक्ट किया तो क्या होगा, आपको पता ही है, डिप्लेशन लेयर बनना शुरू हो जाएगा। क्यों? डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। क्यों? होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होंगे जिसकी वजह से एक डिप्लेशन लेयर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब डिप्लेशन लेयर बना तो पोटेंशियल बैरियर भी बनेगा, और पोटेंशियल बैरियर क्या करता है? करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई। अभी भी ये जो पीआईएन डायोड है इसका बायसिंग हमने किया नहीं है। अब इसका बायसिंग करते हैं। बायसिंग के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है। कैसा बायसिंग करना है? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग यानी क्या? करेक्ट कनेक्शन, यानी बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लेशन लेयर कैसा होता है? कम होता है। क्यों? ये माइनस इधर, ये प्लस इधर, इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा, इसमें
इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन भी माइनस, रिपल्सिव फोर्स, यानी ये जो लेयर है वो कुछ ये साइड शिफ्ट होगी और यहां पे प्लस, ये होल पे पॉजिटिव चार्ज, रिपल्सिव फोर्स, ये इसे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ये लेयर कुछ ऐसे शिफ्ट होगी, यानी फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर कम होगी। अगर डिप्लेशन लेयर कम हुई तो पोटेंशियल बैरियर भी कम होगा, अगर पोटेंशियल बैरियर कम हुआ तो वो करंट के फ्लो का अपोज कम करेगा, आसानी से करंट फ्लो हो पाएगा। करंट के फ्लो का अपोज कम करना, ये ज्यादा करना, ये किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब फॉरवर्ड बायस करने पर क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, यानी करंट के फ्लो को जो अपोज करता था, जो रेजिस्टेंस देता था, वो कम हो जाएगा, यानी पोटेंशियल बैरियर चेंज होने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस भी चेंज होता रहता है, करंट का फ्लो भी चेंज होता रहता है। तो एज अ रेजिस्टर इसे हम यूज कर सकते हैं, यहां पर लिख के रखा है एज पोटेंशियल चेंजेस। पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, यहां पे पोटेंशियल चेंज करने पर यहां पे क्या होगा, डिप्लेशन लेयर चेंज होगा, यानी पोटेंशियल बैरियर चेंज होगा, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर चेंज हुआ तो क्या होगा, करंट के फ्लो को जो अपोज करता था वो भी चेंज होता रहेगा, यानी रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। तो एज अ एज पोटेंशियल चेंजेस रेजिस्टेंस चेंजेस सो एक्ट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर, तो ये वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे काम आता है और इसका सिंबल मैंने बना के रखा है ऐसे करके, आर एफ लिखा है, क्यों, एज अ रेजिस्टर यूज हो रहा है, एफ यानी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसका रिवर्स बायस करेंगे, यानी अब क्या करेंगे, ये प्लस की जगह माइनस, ये माइनस की जगह प्लस कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहां पर इतना सारा रीजियन बनाया है, अब ये आई है ही नहीं, क्यों आई है ही नहीं, क्योंकि हमें मालूम है जो हम रिवर्स बायस करते हैं तब डिप्लेशन लेयर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इसमें, ये यहां पे माइनस लगा दिया, यहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, यहां पे प्लस लगा दिया, ये प्लस क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये डिप्लेशन लेयर अब ऐसे कुछ खींचेगा, ठीक है। यहां पे ये होल पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, यानी डिप्लेशन लेयर ऐसे हो जाएगा, यानी अब डिप्लेशन लेयर पूरा का पूरा फैलने वाला है, ये पूरा डिप्लेशन लेयर बन चुका है, अब ये आई है नहीं, वो पूरा डिप्लेशन लेयर में जा चुका है, यानी यहां पे क्या है, शॉर्टेज ऑफ चार्ज कैरियर है, यानी यहां पे चार्ज कैरियर स्टोर हुए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन गया, होल के साथ डिफ्यूज हुआ, यानी नेगेटिव चार्ज चला गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी यहां पे प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से होल डिफ्यूज हो गया, पॉजिटिव चार्ज चला गया, यानी ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, माइनस माइनस आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है प्लस से माइनस जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पी और एन दोनों एक प्लेट की तरह बिहेव कर रहे हैं ऐसे करके कुछ ऐसे, इस पे कितना प्लस क्यू चार्ज है, इस पे कितना माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बन रही है। अब ये चीज को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे, क्योंकि कैपेसिटर में ही दो चार्ज प्लेट होती है जिसके बीच में चार्ज स्टोर रहता है, यहां प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो रिवर्स बायस करने पर ये क्या बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, डिप्लेशन लेयर इज इंक्रीज इन रिवर्स बायस, सो पी एन एन टाइप विल बिहेव लाइक टू प्लेट्स स्टोरिंग चार्ज बिटवीन बोथ, पीआईएन डायोड बिहेव लाइक अ कैपेसिटर। और इसका जो सिंबल है ये डायग्राम का, वो कुछ ऐसा है, ये कैपेसिटर का सिंबल, सी आर, सी मीन्स कैपेसिटेंस, आर मीन्स व्हाट, रिवर्स बायस कंडीशन में ये यूज हुआ है इसलिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन आपको लिख के आने हैं। एडवांटेज में लिख लेते हैं, हाई रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, हाई कैपेसिटेंस, फोटो डिटेक्शन हाई। डिसएडवांटेज में ये लिख लेना, एप्लीकेशन में ये लिख लेना टू गेट दी फुल मार्क्स, आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।